हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसे शहर में खड़ा हूं जो कि बहुत ही पुराना शहर है। पहले इसका नाम बनारस था, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे रेलवे स्टेशन में वहां पर। अब इसका नाम वाराणसी हो चुका है। वाराणसी मतलब ये वाराणसी जो इसका नाम पड़ा है, वरुणा नदी प्लस 80 घाट को मिलाकर इसको वाराणसी कहा गया है। Hey guys, welcome back on शुक्ला जी यूट्यूब चैनल। अभी हम खड़े हैं अमेठी रेलवे स्टेशन पर। सुबह के 4 बजने वाले हैं और अमेठी रेलवे स्टेशन से सुबह 4 बजे बनारस के लिए ट्रेन निकलेगी। तो हम लोग अभी बनारस जा रहे हैं और बनारस का आपको दर्शन करवाने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को देखते रहना। अमेठी से चले थे सुबह 4 बजे और अभी आके बनारस पहुँचे हुए हैं। और पीछे हमारे देख सकते हो, ये बनारस का रेलवे स्टेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और हमारे साथ फैमिली टूर आई हुई है, तो ये सब देख सकते हो फैमिली को। सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसे शहर में खड़ा हूँ जो कि बहुत ही पुराना शहर है। पहले इसका नाम बनारस था, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे रेलवे स्टेशन में वहाँ पर। अब इसका नाम वाराणसी हो चुका है। वाराणसी मतलब ये वाराणसी जो इसका नाम पड़ा है, वरुणा नदी प्लस 80 घाट को मिलाकर इसको वाराणसी कहा गया है। और ये 51 तीर्थों में से नंबर 1 का तीर्थ है। इस वाराणसी में भगवान शंकर का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ में स्थित है, जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक कहावत है, नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं। और हमारा बनारस, जैसा कि आप देख रहे हो, किसी लंदन से कम नहीं। आज मैं एक ऐसे धाम पर चलने वाला हूँ, ऐसे धाम की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। बनारस रेलवे स्टेशन से उतरकर सामने ये टैक्सी स्टैंड है। बहुत सारी टैक्सी खड़ी हुई है, सुबह का टाइम है और अभी सारी टैक्सी सब फ्री है। नॉट फॉर फ्री, सभी खाली हैं। तो अभी हम पूछते हैं टेम्पो का क्या प्राइस है। वो गंगा स्नान करने जाने वहाँ क्या प्राइस है? बोलिए आप, लाइट चला जाइए, वहाँ पूछिए वहाँ क्या लाइट। नहीं तो तुम्हारा टेम्पो का क्या प्राइस है? वाहन का, टेम्पो का 20 पर सवारी है। 20 पर सवारी। हाँ तो सवारी के हिसाब से चल लो फिर। 100 रुपये में रेट फिक्स हुआ है गंगा स्नान के लिए। और इस टेम्पो पे हम बैठने जा रहे हैं। सफर करने का मजा टैक्सी में ही है, तो हम टैक्सी के साथ जा रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे भैया, कहाँ छोड़ोगे? दशमेघ घाट। वैसे ऑटो बुक करके जाओ तो 100 रुपये, सवारी में जाओ तो 20 रुपये पर सवारी ना भैया, यानी 5 सवारी। और ऐसे में आ जाएंगे 7 लोग, बच्चे सहित मिलाकर। अगर बच्चे हैं तो, अगर एडल्ट हैं तो 5 ही लोग आएंगे, तो 20-25 सौ, बात वही हुई। चाहे 100 रुपये का बुक करके जाओ या फिर 20 रुपये का सवारी दे के जाओ। और सिंगल पर्सन कोई बुक करके जाएगा नहीं 100 रुपये में। जैसे लग रहा है दिल्ली का चांदनी चौक ये एरिया। हाँ, स्टेशन से आकर हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया। इसके आगे ऑटो वाले नहीं जाते, यहाँ पे इनका चालान कट जाएगा ऑटो वालों का, तो यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़। और हम चल रहे हैं बनारस की सड़कों पे, बनारस की वादियों में। पहली बार बनारस आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है बनारस में आके घूमने का। तो देखते रहिए, हम आपको सारा व्यू दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। दोपहिया वाहन पार्किंग है, ये है गदौलिया चौराहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है।
और यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक है, इतनी सारी भीड़ है, ये आप देख सकते हो। सब गदौलिया चौराहा आ रहे हैं, स्टेशन से उतर कर हर कोई गदौलिया चौराहा ही आ रहा है। बनारस में 84 लाख लोग हर ईयर आते हैं विश्वनाथ गली। सुबह का समय है, बहुत ही ज्यादा क्राउड है। सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन शुक्ला जी यूट्यूब चैनल। और अभी हम खड़े हैं दशाश्वमेध घाट, और इसको एक बार फिर से रिपीट कीजिए। बहुत सारे जो यहाँ पर आते हैं वो दशाश्वमेध घाट नहीं बोल पाते, तो यहाँ आने का मतलब होता है कि भगवान ब्रह्मा ने शंकर भगवान को खुश करने के लिए यहाँ पर 10 घोड़ों की बलिदानी दी थी, इसलिए दशाश्व मतलब 10 और मेष मतलब घोड़े, तो यहाँ पर 10 घोड़ों की बलिदानी दी गई थी। तो यहाँ पर आकर अपने माथे पर चंदन की लाली लगवाएं और यहाँ पर आकर बनारस में भगवान शंकर जी का दर्शन करें। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है शंकर भगवान का, तो यहाँ पर एक बार जरूर आएं। हमारे माथे पर आप देख सकते हो चंदन लग चुका है, और हमारे पीछे वो है दशाश्वमेध घाट, जहाँ से हम नहा कर चंदन लगवा कर आ रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं भगवान शंभुनाथ के दर्शन करने के लिए, और ये है मार्केट, जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट। हमारे साथ छोटू मिल गए हैं, अब वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं, देखो छोटू भाग रहे हैं, वीडियो बनवा लो। हेलो छोटू, इधर देखो, जय शिव शंकर। एक घंटा से बेसी नहीं रखिए। जय महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव। मंदिर में जाने से पहले आपको प्रसाद लेना पड़ता है, और किसी भी प्रकार की मिठाई यहाँ पर नहीं चढ़ाई जाती। प्रसाद में अगर आप फूल ले सकते हैं तो फूल ले लीजिए, वही यहाँ पर चढ़ाया जाता है। 150 से 250 रुपये का प्रसाद मिलता है, और मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा या मोबाइल फ़ोन या फिर आपके पास कुछ भी ऐसा सामान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर स्टील हो, लोहा हो, किसी भी प्रकार का सामान आप अंदर लेकर नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर जाने के लिए 4 गेट हैं, आप किसी भी गेट से जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। दर्शन हो गया है, फैमिली के साथ गए थे हम दर्शन करने के लिए, और अभी बहुत तेज पसीना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, करीब 12,000 लोग आए हुए थे। दर्शन करते हुए भी शॉर्टकट का तरीका अपनाना पड़ा, अगर शॉर्टकट यूज नहीं करते तो दर्शन नहीं कर पाते। बोलो शुक्ला जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्ला जी के चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, बोलो शुक्ला जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम प्रमोटिंग माय चैनल, सो एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब शुक्ला जी यूट्यूब चैनल। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाना पड़ा है। ये बनारस की वो पुरानी गलियाँ थी, जो आज न्यू इंडिया के न्यू जनरेशन में इन गलियों को नया कर दिया गया है। पहले ये गलियां बहुत पुरानी हुआ करती थी।
जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।